हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे ये शिप की वीडियो कहाँ से आ गई है। तो ये कुछ वीडियोस मेरे पास अभी भी फ़ोन में थे, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, तो मुझे लगा चलो आज एक वीडियो बना देती हूँ जिससे कि अब आप समझ जाएंगे कि क्या बात है और कैसे है। तो व्लॉग को पूरा इन्जॉय कीजिए, आगे आपको बहुत सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे सनसेट का व्यू है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पीहू और पीहू के डैडी आगे जा रहे थे। ये हमारी शिप के बैकवर्ड मतलब बैक साइड का व्यू है, इसको आफ्ट बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, और मुझे पता है आप लोग को भी सी के यानी कि शिप के वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते थे। ये मेरे रूम से मैंने रिकॉर्ड कर रखा था, तो इस तरह की क्लिप्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और आप लोग को भी पसंद थी, तो इसीलिए आज आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूं। अभी जो आपने क्लिप देखी ये मैं ब्रिज से शूट कर रही थी, और यहाँ पे देखिए सनसेट का टाइम है, शाम का टाइम है, मैंने तब ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। और हाँ, तो मैं आपसे क्या बोल रही थी कि मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो बात ये है कि आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि आप शिप के वीडियोज़ क्यों नहीं डालती हैं, शिप के वीडियोज़ कब डालेंगी। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि शिप के वीडियोज़ अभी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि हम लोग शिप से उतर चुके हैं, हमारा साइन ऑफ हो चुका है। और जब वर्मा जी की तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद हम लोगों ने साइन ऑफ ले लिया था। क्योंकि तबीयत ख़राब है इसलिए हम वापस से अभी शिप पे नहीं जा सकते हैं, और आपको पता ही है कि वर्मा जी को कोरोना हो गया था, तो उसकी वजह से अभी रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अभी हम शिप पे नहीं जाएंगे। और अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पर अभी साइन ऑन और साइन ऑफ सब बंद है, रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक पर है इस समय कोरोना, इसीलिए। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं यहाँ पर शिप एक जो है वो बर्थिंग हो रही थी शिप की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये सब मैं देख करके भी मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं अपने पोर्ट होल पे शिप के रूम पे पोर्ट होल पे बैठ करके ये रिकॉर्ड कर रही थी। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे, एक कमेंट आया था मुझे कि आप अपना अपना क्यों करती रहती हैं, आपका शिप आपका रूम। तो देखो भाई, जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा ही होता है, अब हम अपने शिप पर रह रहे हैं तो वो हमारा है, उसको हम अपना समझ कर रहेंगे तभी वो अच्छे से हम उसको मेनटेन कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसको अपना ही बोलती थी। तो यही सारी क्लिप्स थी जो मेरे पास अभी तक पड़ी हुई थी फ़ोन पे, तो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए अब अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम से वर्मा जी और वर्मा जी की पीहू से। पीहू, डैडी की दाढ़ी कैसी लगती है आपको? नहीं अच्छी लगती। अरे नहीं यार, ऐसे मत बोलो प्लीज। बताओ पीहू। नहीं अच्छी लगती। अरे यार पीहू ने बोल दिया अच्छी नहीं लगती, फिर कैसे? डैडी सेफ करके छेड़ते। अरे यार पीयू ऐसे मत बोलो प्लीज। अरे आई लव यू। कमेंट्स भी आ रहे थे ऐसे तो। ओके अच्छा, कमेंट्स भी आ रहे थे क्या? हाँ, लोग कह रहे थे कि वर्मा जी को पहले जैसा बना दो। अरे यार ऐसे मत बोलो, थोड़ा सा शेव कर दो, थोड़ा सा। नहीं ज्यादा सा। अभी सेट भी नहीं है, अभी इसलिए नहीं अच्छे लग रहे। यार बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है कहीं से, देखें क्या हो रहा है। यार बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है भाई। ओहो यार ये तो दही बड़े बन रहे हैं भाई, मतलब तभी मैं कहूँ ये तलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, मैं तभी बोल रहा। ओके सही है भाई, मज़ा है। एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड।
मर्सी वर्मा जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या है बताइए? अरे वाह, कर्टेंस मंगा लिए भाई तुमने। मैंने आपके लिए कर्टेंस मंगाए अपने रूम। मत कर यार प्लीज, रूम का मेकओवर करने के लिए ये कर्टेन पहले जो मंगाए थे तो मैंने सोचा चलो अब आपकी पसंद का मंगाते हैं। अरे गजब, ये व्हाइट कलर के कर्टेन है जो कि मैंने अमेज़न से मंगाए हैं, जो कि कैश करो के थ्रू मंगाए हैं। तो इसको हम लगाते हैं अपने रूम पे और दिखाते हैं कि इसका आउटकम कैसा आता है। तो अभी यहाँ पे शाम हो गई है और शाम को मैं चाय बना रही हूँ। कर्टन लग चुके हैं, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने साबूदाने के पापड़ निकाले हैं जो कि थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको फ्राई कर लेते हैं, चाय के साथ खाने में अच्छा लगेगा इसीलिए। चाय ले लीजिए आप लोग। पापा जी कहाँ गए? हाँ सब लोग कह रहे हैं टिप्स बहुत अच्छे। चलो पियो, क्या खा रही हो? अंजीर। अंजीर पापड़? पापड़, इसे पापड़ बोलते हैं। हाँ छोटा पापड़। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किचन में और किचन में मैं बना रही हूँ डिनर, जिसमें कि बन रहा है आज पालक पनीर। और हमारे रूम के कर्टेंस लग चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे ये कर्टेन लगा है और इधर एक ये कर्टेन लगा है, एक लगा है इधर, ये देखिए यहाँ पे लगा है और एक लगा है इधर, ये देखिए। तो इस तरह से पूरा मैंने पूरे पर्दे जो हैं वो लगा दिए हैं। और अभी मैं आपको रूम का जो फाइनल लुक रिवील करूंगी वो मैं कल के व्लॉग में कर दूंगी, एनिवर्सरी व्लॉग में। तो देखिएगा बताइएगा कैसा है। वाइट थीम रख रहे हैं हम लोग और कुछ कॉन्ट्रास्ट रखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा रूम का मेकओवर कर रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं रूम में। और पीहू खेल रही है, मम्मी पापा अभी ऊपर छत में हैं, वॉक कर रहे हैं। मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पालक पनीर। पालक पनीर के लिए मैंने यहाँ पे मसाला में फ्राई कर रही हूँ और आज मैं मसाला फ्राई करके तब पालक इसमें डालूंगी क्योंकि मम्मी को इस तरह से पसंद है। मैं पहले तो जो मुंबई में बनाती थी उसमें क्या करती थी, जब पालक बॉईल करती थी तो उसमें ही अदरक लहसुन सब कुछ डाल देते थे ना, तो ये इस तरह से मम्मी को नहीं अच्छा लगता है। मम्मी को अलग से मसाला फ्राई करके अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अपना डिनर तैयार करते हैं, पालक पनीर की सब्जी और चपाती यानी कि रोटियाँ। डिनर हो चुका है और आज मैंने भी अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करी है, पीहू की भी मैंने पैरों में मसाज करी है। हाँ पीहू, पैरों की मालिश हो गई? पीहू के पैरों की मालिश हो गई है, उसके भी बालों में हेयर ऑयल मैंने लगा दिया है। और अब कल सुबह मैं अपने बालों को वॉश करूँगी। और पीछे ही हमारी फ़ोटो लगी हुई है। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कल अब मैं अपने हेयर को वॉश करूंगी और कल हमारी है एनिवर्सरी, तो देखते हैं कल क्या करते हैं कैसे करते हैं। और कल आपको अपने रूम का भी पूरा एक लुक दे दूंगी कैसा लग रहा है। और बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अपना हाउस टूर कराइए, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं हाउस टूर तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए
और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करिए कौन कौन देखना चाहता है हाउस टूर, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी हाउस टूर भी। और बाकी जो भी थोड़ा मेकओवर जो हम कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि शिप के वीडियो हम क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज के वीडियो को आपने इन्जॉय किया होगा, शिप की क्लिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। ये मेरे पास कुछ क्लिप्स थी जो मैंने डाल दिया, तो आप लोग इन्जॉय किए होंगे उसको। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और व्लॉग को लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।